23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त तक, 26 अगस्त तक तुहानू थोड़ी जी टेंशन का सामना करना पै सकता है, पर्टिकुलरली जिन्हां दा रैंक मिड जां पिछे है, क्योंकि मनचाहा कॉलेज दे सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इन्हां दिनां विच करना की है, कल सब तो पहला 22 तरीक नू कल लिस्ट फाइनल डिस्प्ले हो जाएगी, उसनू देखना है। क्वेश्चन है कोई पूछ सकते हो, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट स्पेसिफिक आंसर तुहानू मिलना है ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ सीट 23 अगस्त नू मिल जाएगी 8 बजे तक। इट मीनस उस दिन तुहानू पता लग जाएगा 23 तरीक नू कि तुहानू किहड़ा मेजर सब्जेक्ट किहड़े कॉलेज विच जिहड़ियां प्रेफरेंस तुसी फिल कीतियां सी ओह मिल गया है। सब तो पहला काम की करना है कि तुसी उसका प्रिंट लेना है। ओके, प्रिंट दे लैन दे नाल नाल अगले तुहाडे 3 दिन शुरू हो जांदे ने, 24 25 26। ये 3 दिन की कर सकते हाँ की नहीं कर सकते, किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना है। इत्थे लिखिया है रिपोर्ट एट एलोकेटेड कॉलेज, इट मीनस 24 तरीक नूं तुसीं 9 बजे कॉलेज जा सकते हो। तुहानूं जाना चाहिए है नहीं जाना चाहिए है, केस टू केस वेरी करेगा। सब तो पहला जिहड़े टॉप दे रैंक वाले बंदे ने, रैंक इत्थे लिखिया है नैचुरली टॉप रैंक वालियां नूं, उहनां दा सबजैक्ट कॉम्बीनेशन ते कॉलेज जिहड़ा है नज़दीक जां गवर्नमेंट जिथे उन्होंने सब तो वध फैसिलिटेशन मिलती है वो मिल जाएगा, उन्हां दी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उन्होंने भी विचार कर लेना चाहिए है कि की उन्होंने मेजर सब्जेक्ट नूं प्रैफर किया है, माइनर सब्जेक्ट नूं प्रैफर किया है, और वो गवर्नमेंट जॉब के मुताबक हैं और मैनू अडिशनल मैक्सीम घट देने पैंदे हैं, मैं जिस सब तो ज़्यादा नॉलेजिएबल हाँ उस विच मैनू सैटिस्फैक्शन मिलती है। देखना ही पएगा हुंदा की है, कई बार टॉप वाले भी रोंग सिलेक्शन करके 2 साल गाउन तो बाद फिर 1.5 साल का अडिशनल पेपर ज बी ए का अडिशनल पेपर बाद विच दिंदे ने। समा है सोचा जा सकता है कॉलेज नू नहीं सब्जेक्ट नू प्रैफर करना है, मैं हर वीडियो च दसदा हाँ। सो बाकी दे रैंक वाले जेड़े हन उन्हां नू हो सकता है कि फर्स्ट रैंक वाला नहीं सैकेंड वाला या थर्ड वाला या फोर्थ वाला मिलिया होवे, ये भी हो सकता है। नॉट अलॉटड या बहुत दूर कॉलेज है जिन्होंने सिर्फ थोड़ियां प्रेफरेंस भरिया हैं, प्रोबेबिलिटी है कि मान लो एक प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज की भरी है दूसरी नहीं भरी, प्रोबेबिलिटी है कि उन्होंने ना अलॉट होया होवे कॉलेज, तो उस सूरत में घबराना नहीं है। दूसरा केस कि अलॉट हो गया है, दूसरी या तीसरी अलॉट हो गया है पर मैं उत्थे जाना नहीं चाहता, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, 3 दिन है तुहाडे। सब तो पहला तुसी की करना है जे तुहाडे कॉलेज डिस्टेंस विच नेड़े है विजिट कर सकते हो, विजिट करते हुए तुसी अपने डॉक्यूमेंट तो ले जा सकते हो, फीस बेशक ना लैके जाओ। कारण यह है कि जदों फीस जमा होगी इट मीनस एडमिशन हो गई है। हाँ, जे तुसी 100% श्योर हो तो फीस लैके जाओ, फीस पूरी नहीं लैके जानी, जिवें कि यूनिवर्सिटी की डायरेक्शन है कि अद्धी फीस ही देनी है, उस तो भी घट इंस्टॉलमेंट हो सकती है, स्पैशल केस दस के तुसी एप्लीकेशन लिख के फीस तो घट दे सकते हो जेकर डिसीजन लेना है। हाँ, जे फीस दे दी है तो तुहानू शिफ्ट करन दी बाद विच आंदी है तो तुहानू 1000 रुपया यूनिवर्सिटी नू पे करके शिफ्टिंग करनी पेगी। सो जिन्हां दे रैंक मनपसंद दे नहीं मिले जां डिसीजन नहीं बनदा उन्हां लई 3 दिन सोचण वाले होणगे, ओह सोचना विचारना ज़्यादा नहीं है। फोन कर सकते हो, तुसी पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जे तां तुहानू सब्जेक्ट ते जिहड़ा मिनिमम जॉब दे गवर्नमेंट जॉब को नेड़े जांदे हो तां तुसी बाकी चीज़ां दी सैटिस्फैक्शन करके एडमिशन लै सकते हो। उहदे विच सैटिस्फैक्शन विच की है कि कॉलेज जाके कॉलेज का एनवायरमेंट देखना है, कॉलेज के इतिहास बारे पूछ सकते हो, फीस बारे पूछ सकते हो, क्लासेस बारे, टीचिंग प्रैक्टिस बारे, जो कॉलेज विच की जरूरी है। कई बार लड़कियां नूं शहरां विच आम तौर पर हुंदा है कि इत्थे यूनिफॉर्म है, जिहड़ियां तुहाडियां मेन टेंशनस ने उन्हां नाल डिस्कस कर लेनियां चाहीदियां हन। अजिहा मत समझना कि सारियां टेंशन तुहाडियां मनियां जाणगियां, उन्होंने भी कॉलेज चलाना है, इंस्टीट्यूट चलानी है, कुछ नॉर्म्स कंडीशन है वो फुलफिल होणगे। कई बार तुसी ये पुछदे हो कि जिहड़ा सिलेबस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह चलता है, आंसर मैं ही दे दिंदा हाँ, UGC वालों ऑफलाइन ही है, कई कॉलेज है कि ऑनलाइन मैटर प्रोवाइड कर देंगे हैं, पर नॉर्मली यूट्यूब पर सब कुछ पिया है। वैसे तो तुसी डिफिकल्ट टॉपिक दसना है, बेशक गुरु नानक का है, पंजाबी का है, पंजाब यूनिवर्सिटी का है, डिफिकल्ट टॉपिक दसना है विद इन 2 डेज़, मेरी कोशिश होएगी शायद 1 दिन ही टाइम होया है ना, जे डिलेट हो जाना हो सकता है मैं 2-4 घंटे के ही तुहानू टॉपिक पा देव, इस तरह की टेंशन नहीं लैनी। मेन सवाल जो पूछना है कॉलेज जाके पूछ सकते हो कि TET बारे
ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ? ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਯੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛੋ ਮਤ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੈ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਚਾਰਜਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਰਜ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਟਰਨ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਬੁੱਕਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ? ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਲਜ ਜੋ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਫੀਸ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੀਸ, ਡਿਸਟੈਂਸ, ਟੀਚਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਸਟਾਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤਾਂ ਪਈ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਟਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਟ 200 ਹੈ, 150 ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫੀਸ ਨੋਰਮਲ ਲੈਣਗੇ। ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਪਟ ਕਾਲਜ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਲਜ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 20,000-40,000 ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੋਰਮਲ ਫੀਸ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1,50,000 ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ 1,40,000, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ 2,00,000 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਟਸ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਗੇ, 3 ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਹਨ 24, 25 ਔਰ 26, ਹੈ ਨਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1 ਅੱਧਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ, ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫਾਈਨ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਫਾਈਨ ਪਏਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਟਰਨ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਵੀ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਲੇਟ ਫੀਸ। ਇਟ ਮੀਨਸ
कि उदों तक तुहाडे एग्जाम जाने हैं, उदों तक तुहाडा मेजर ते माइनर जिहड़ा है फाइनल हो जाना चाहिए है। जो वह फॉर्म च माइनर फिल किया जाएगा वह फाइनल होएगा। उस तो पहला कॉलेज विच तुसीं कुछ भी चेंज कर सकते हो, मेजर हाँ जिहड़ा यूनिवर्सिटी द्वारा अलॉटड है वही रहेगा। सो माइनर लई तुहाडे कोल काफ़ी टाइम है। दूसरा है कि डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड ने उसका वीडियो अलग तो जारी किया गया है अपने केस मुताबक। तुसीं 24 तरीक तो पहला ही कल तक ही देख लो कि डॉक्यूमेंट घट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जेड़ा टाइम कंज्यूमिंग है उसलिए रिटर्न टाइम उतों तुहानू मिल जाएगा। हाँ ये है कि तुसी जिवें रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और जिहड़ा माइग्रेशन है ये टाइम लै लेंदे ने और तीनों ही ये जरूरी ने। तो ये भी हो सकता है कि जिन्हों रैंक अलॉट जो सॉरी कॉलेज अलॉट नहीं होया कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैकेंड काउंसलिंग मैक्सिमम हो जाएंगे। पहली काउंसलिंग मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन नहीं मिलनी, हाई रैंक वालों मिलनी है, पहला तो ही अपना मन बना लेना चाहिए। बेशक थोड़ी रजिस्ट्रेशन हुई है, नॉर्मली असी रजिस्ट्रेशन तो सैटिस्फैक्शन लभते हाँ, पर अजिहा नहीं है। कारण यह है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, डाटा कॉलेजेस का की है कहता, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है वो रिलैक्स होकर पहले तो बैठे रहे, उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट की अच्छी तरह तैयारी नहीं की, उन्होंने रैंक दूर आ गए। चंगी तरह गल समझना, इस गल चंगी तरह समझना, जिहड़े रजिस्टर्ड ने ओके, जिहड़े रजिस्टर्ड ने उन्होंने जो मेहनत है घट की है और रैंक जिहड़ा है उन्होंने नॉर्मली लो है। जिहड़े नॉट रजिस्टर्ड सीगे, नॉट रजिस्टर्ड वो नॉर्मली अप रहे ने, उन्हों का रैंक इन्हों तो अप रहा है। हुण यह है कि जे तुसी सेम कॉलेज प्रैफर किया है, इन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन दे के 10,000 रुपया दे के बुकिंग कराई हुई है, पर कॉलेज ने हर हालत में देखना है कि वह सीट जिहड़ी है किस रैंक नूं अलॉट हुई है। यूनिवर्सिटी ने हाई रैंक वाले नूं अलॉट कर देनी है जिसने कि रजिस्ट्रेशन नहीं सी कराई। कॉलेज इसनूं मना नहीं कर सकता, कॉलेज किसी भी हालत में जिसका अलॉटमेंट आ गई है इसनों बार बार अपनी सोच में बिठा लो। जे तो रैंक तो कॉलेज अलॉट यूनिवर्सिटी वालों हो गया है तो कोई भी माई का लाल तो मना नहीं कर सकता। जेकर अजिहा हो जाता है तो सीट पक्की है अजे ही हालत में, मान लो एक कॉलेज में 100 सीटा सन, उन्होंने मान लो ये 80 के करीब या 100 के करीब ही रजिस्ट्रेशन ए ली सी, 10,000 रुपया लिया सी, लेकिन रैंक ज़्यादा लैके 30 जने इस कॉलेज में आ गए। हुण 80 तो 30, 10 जने मान लो एक्स्ट्रा आ गए ने, वो 10 जने कौन हो गए जिन्हों का रैंक हाई है उन्होंने बनी जाएगी। रजिस्ट्रेशन वालों विदड्रा करके जिथे अलॉटमेंट हुई है उत्थे ही जाना पेगा, आइदर उन्होंने माई मैनेजमेंट कोटे विच शिफ्ट होना पेगा। सो इस तरह दी समस्यावां प्रॉब्लम आ सकदियां हन। मेरा सीधा नुकता जो है वह लै लो कि अपना भला सोचना है, गवर्नमेंट जॉब के मुताबिक सोचना है, सैकेंड काउंसलिंग है, थर्ड भी हो जाती है। पिछली बार भी जिन्होंने टेस्ट दिता सी उन्होंने तीजी काउंसलिंग सी कि वह एडमिशन हो सकती है। हाँ ओपन नहीं सी हुई कि जिन्हें नहीं टेस्ट दिता वो दे सकता है, केस लगा होया है जो चल रहा है उस दे बारे कोई खास खबर नहीं है। हाँ डाटा कलैक्ट किया गया सी उन्होंने की हुंदा है। सो मैं क्यों कहना चाहना हाँ, जिवें फस्ट काउंसलिंग है ना, फस्ट काउंसलिंग तो सैकेंड काउंसलिंग वाल वधना है तो थोड़ी सैटिस्फैक्शन कैंडीडेट को मिलनी है। थर्ड विच सारियां नूं ही सैटिस्फैक्शन, लगभग सारियां नूं ही सैटिस्फैक्शन मिल जानी है। सो वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनी रहेगी। मेरे ख्याल विच जिहड़ा मेन एम है TET, तुहाडा एडमिशन हुंदे सार ही तुसी एलिजिबल हो गए हो। TET है, सिलेक्शन टेस्ट है, इन्हां ते जोर दिता जाएगा। CTET जो सेंट्रल दा ही फस्ट टाइम फिर दोबारा ऑनलाइन होने तो बाद फस्ट टाइम जिहड़ा 20 तरीक नूं होया है वो ऑफलाइन होया है। सो वो मैं नालों नाल डिस्कस कर रहा हाँ, कोशिश करांगा कि तुहानू जिन्हां ने पहली बार देखना है पेपर उन्हें नीवे लैवल ते जाके उन्हें आसान तरीके नाल थोड़े थोड़े नुकते दे देवां तां जो पता लगे कि डिफिकल्टी लैवल चैलेंज किड्डा है और इसनू किस तरह पार करना है। कारण यह है कि ऑफलाइन जो पेपर आया है ऐतकी चैलेंजिंग सी ओके, क्योंकि तुहाडे को कंटेंट की नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुसी प्याजे की थ्योरी नहीं पढ़ी, वैगोत्स्की नहीं पढ़ी, ब्रूनर नहीं पढ़िया, कंसैप्ट अटेनमेंट मॉडल नहीं पढ़िया। मैं किन्ने भी नाम ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट के प्रिंसीपल है, इनकलूसिव एजुकेशन, जेंडर बॉयज, जेंडर वगैरह वगैरह टॉपिक है ना, वो नहीं पढ़े, वो कंसैप्ट पढ़ांगे। वो मैं कोशिश करता हाँ कि उस दियां वीडियो अज या कल तुहानूं नाल ही मिल जाणगियां। शॉर्ट वीडियो रखांगा, थोड़े क्वेश्चन रखांगा और एनालिसिस होएगा इस परपज नाल कि तुहाडी लर्निंग शुरू हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट गल ये होएगी कि जिहड़ियां पिछे टैगवर्ड वालियां वीडियो है वो देखो, फिर
ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8427458843 ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਕ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਸੋ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 26 तक का सफ़र 27-28 का तुहाड़ा कोई काम नहीं है रिपोर्ट करना है कॉलेज ने फिर नैक्सट काउंसलिंग शुरू हो जानी है ये इस काउंसलिंग का लास्ट स्टैप होएगा जदों तुसी रिपोर्ट करनी है वेरीफिकेशन तुहाड़े डॉक्यूमेंट की होनी है और तुहानूं दस्या जाना है कि तुहाड़े की कमियां हन वो पूरा करन दा टाइम दिता जाएगा प्रोस्पैक्टस खरीदना है जे सैटिस्फैक्शन हो जाती है तो फीस डिपॉजिट कराते हो उस तो बाद क्लासेस जिहड़ियां ऑनलाइन शुरू हैं मैं कोशिश करना हाँ तुहानूं सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर दिना हाँ पर हजे सारा ध्यान उधर है सो असी सी टैट विच भी वह टॉपिक ज़्यादा करांगे जिहड़े मैं कोर्स हुण शुरू करन जा रहा हाँ बेसिक टैट कोर्स मतलब छोटिया छोटिया वीडियो होणगियां वह उन्हां ते ज़्यादा जोर देवांगा जो तुहाडे बी एड का पार्ट वधेरे होणगियां सो तुहाडा दोनों विच फायदा रहेगा चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो थैंक यू।